2.25 लाख इन्वेस्टर्स के 1400 करोड़ रुपए को हड़प कर फर्जीवाड़ा करने के आरोप में रिमांड पर लिए गए बाइक बोर्ड कंपनी के मालिक संजय भाटी और फ्रेंचाइजी हेड विजय कसाना से हुई पूछताछ के बाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर ग्रेटर नोएडा के चिती गांव में बाइक बोर्ड दफ्तर से 100 मोटरसाइकिल, बैंक के चेक भरे 5 बैग और जले हुए कंप्यूटर बरामद किए हैं। ये ऐसे सबूत हैं जो आरोपियों के आरोपों को अदालत में साबित करने में अहम होंगे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पुलिस के बढ़ते दबाव के चलते इन कंप्यूटरों और कार्यालय में आग लगाकर सबूतों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन इसमें वे पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। ये बाइक बोर्ड के नाम से एक मल्टी क्रोर स्कैम नोएडा में चल रहा था, जिसका अनावरण नोएडा पुलिस द्वारा किया गया है। इस संबंध में करीब 33 से ज़्यादा मुकदमे नोएडा में पंजीकृत किए गए और इसकी विवेचना करने के लिए SSP सर द्वारा एक SIT का गठन भी इसमें किया गया था। इसी का जो मास्टरमाइंड है इस पूरे स्कैम का, एक शातिर अभियुक्त है संजय भाटी, उसकी पुलिस कस्टडी रिमांड पुलिस ने ली थी। 4 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड है, जिसमें गहनता से उससे पूछताछ की गई। इस मामले में SP ग्रेटर नोएडा ने बताया कि पुलिस को आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि दफ्तर में आग लगाकर उन्होंने साक्ष्य मिटाने का काम किया था। आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, तकरीबन 100 मोटरसाइकिलें पुलिस ने वहां से बरामद करके कब्जे में ली हैं। इसके अतिरिक्त 5 बोरियों में भर के चेक्स बरामद हुए हैं पुलिस को, जो विभिन्न निवेशकों को फर्जी चेक इनके द्वारा प्रेषित किया जा रहा था, वो चेक भी बरामद किया है। इसके अलावा कुछ और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं, जिसका भी विश्लेषण पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और उस ऑफिस में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से इस शातिर अभियुक्त द्वारा संजय भाटी द्वारा आग भी लगाई गई थी, तो 2 जले हुए कंप्यूटर्स, कीबोर्ड वगैरह भी वहां से पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड कंपनी निवेशकों को लुभाने के लिए 1 साल में 2 गुने रिटर्न के वादे के साथ बहुस्तरीय मार्केटिंग योजना बाइक बोर्ड लेकर आई थी। कंपनी ने निवेशकों से मोटरसाइकिल टैक्सी के लिए 62,100 रुपए निवेश करने के लिए कहा और उन्हें लंबे समय के लिए निवेश राशि को 2 गुना करने के अलावा मासिक रिटर्न का आश्वासन दिया। लेकिन लोगों को जब अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला, तब तक कंपनी 2.25 लाख इन्वेस्टर्स के 1400 करोड़ रुपए को गबन कर चुकी थी। बता दें कि कंपनी के खिलाफ नोएडा के थाना दादरी में 33 मुकदमे दर्ज हैं, जबकि देश की विभिन्न जगहों पर इस कंपनी के खिलाफ करीब अब तक 400 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं। टोटल न्यूज़ के लिए ग्रेटर नोएडा से ताहिर सैफी की रिपोर्ट।